पिछले 31 सालों से पृथ्वी के ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने इंसानों का इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 1977 से 1990 के बीच 1600 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया यह टेलीस्कोप आज तक 14 लाख से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर चुका है। वह इस यूनिवर्स के जन्म से लेकर डार्क मैटर व ब्लैक होल जैसी चीजों को एक्सप्लोर कर चुका है। पर एक समय ऐसा भी आया था जब सारे अमेरिकन्स नासा के इस मिशन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि 1600 करोड़ रुपयों के बजट से बना यह टेलीस्कोप एक छोटी सी गलती के चलते लगभग फेल ही हो चुका था। पर उसके बाद जो हुआ वो आप जान सकेंगे आगे की इस वीडियो में। आज हम रात को आसमान में लाखों व करोड़ों स्टार्स को देखकर ये सोचते हैं कि इनमें भी कोई एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों की तरह रहती होगी। पर अगर बात की जाए आज से सिर्फ 400 से 500 साल पहले की, तो हम ये तक भी नहीं जानते थे कि हमारा सूरज पृथ्वी का नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। वह इस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा भी कई और प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इस बीच हमारी इंसानी सभ्यता में एंट्री होती है एक टेलीस्कोप की, जिसने इस सोलर सिस्टम के साथ साथ इस ब्रह्मांड के भी कई छोटे बड़े राज खोले। पर अभी भी 20th century की शुरुआत तक हम यही मानते थे कि हमारे इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी मौजूद है और उसी में ये सब स्टार्स व नेबुलास आते हैं। पर 1924 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से कुछ ऐसा देखा जिसने उस टाइम की कई धारणाओं को गलत साबित कर दिया, क्योंकि एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया कि हमारी मिल्की वे की तरह और भी गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो समय के साथ साथ एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। मतलब ये ब्रह्मांड फैल रहा है। और इस डिस्कवरी के बाद बाकी के भी एस्ट्रोनॉमर्स इस यूनिवर्स की कई अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने लगे। पर इस ऑब्जर्वेशन में समस्या खड़ी करता था पृथ्वी का ये वातावरण, क्योंकि ये बाहर स्पेस से आने वाले प्रकाश को बिखेर देता था, जिससे टेलीस्कोप उसकी सही क्लियर इमेज नहीं बना पाता था। और इसी समस्या के हल का आइडिया आया 1946 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट लाइमन स्पेट्जर को, और इन्होंने कहा कि क्यों ना एक टेलीस्कोप को पृथ्वी के वातावरण के बाहर स्पेस में भेजा जाए, क्योंकि स्पेस में प्रकाश बिना वातावरण से विचलित हुए सीधा लेंस से टकराएगा, जिससे टेलीस्कोप इस यूनिवर्स की सही क्लियर इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा। लाइमन का ये प्लान तो बढ़िया था, पर इसमें दिक्कतें बहुत थी, क्योंकि इसके पहले ऐसे किसी भी मिशन को अंजाम नहीं दिया गया था। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट इतना बड़ा अमाउंट इस प्रोजेक्ट में लगाने से घबराती थी, जिसके चलते नासा द्वारा 1969 में अप्रूव्ड किया गया यह प्रोजेक्ट 1977 तक फंडिंग की वजह से रुका रहा। और इसके पहले 1975 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें 15% शेयर को लेकर शामिल हो गई, और अब इस लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का काम शुरू हो गया। किसी भी टेलीस्कोप का मिरर उसके लिए एक इंसानी जिस्म के हर्ट की तरह काम करता है। अगर मिरर को बनाने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा टेलीस्कोप एक डब्बा बनकर रह जाता है, और यही हुआ इस हबल टेलीस्कोप के मिरर को बनाने में। अमेरिकन कांग्रेस गवर्नमेंट की फंडिंग अप्रूवल के बाद नासा ने मिरर डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिक्स कंपनी परकिन एल्मर को दिया, क्योंकि ये कंपनी पहले भी नासा के सीक्रेट सैटेलाइट के मिरर बना चुकी थी। वह मिरर के डिजाइन व पॉलिशिंग के लिए कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइसिंग का उपयोग करती थी। ये मिरर 2.4 मीटर डायमीटर का बनाना था, जो कि एक इंसानी आंख से 40,000 गुना ज्यादा लाइट को इकट्ठा कर सकता था। चूंकि उस टाइम हबल को बनाने में नासा के साइंटिस्टों के सामने फंडिंग को अरेंज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए उन्होंने हबल के साइज को थोड़ा छोटा करना सही समझा। पर इसके चलते मिरर को परफेक्टली डिजाइन करना थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। लगभग 2 साल की मशक्कत मेहनत के बाद एल्मर कंपनी ने मिरर को डिजाइन कर लिया था, और फिर उस पर रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम की कोटिंग करके पूरी तरह बना दिया था। पर इस एल्यूमिनियम की पॉलिशिंग में एक छोटी सी गड़बड़ी रह गई थी, जो आगे एक बड़ी प्रॉब्लम
बनने वाली थी, क्योंकि मिरर की टेस्टिंग के बाद भी नासा के साइंटिस्ट उस गड़बड़ी को समझ नहीं पाए थे। और फाइनली 24 अप्रैल 1990 वो दिन आ ही गया जब इसे स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा पृथ्वी के लो ऑर्बिट में यूनिवर्स को कैप्चर करने के लिए छोड़ दिया गया। अब बस वैज्ञानिकों को इंतजार था इसकी पहली इमेज का। दुनिया भर के वैज्ञानिक बेसब्री से इसके द्वारा भेजी जाने वाली पहली पिक्चर को देखने के लिए बेचैन थे। पर इसके पहले कि साइंटिस्ट इसकी पहली इमेज को देखकर निराश हो, हम ये जान लेते हैं कि हबल टेलीस्कोप पिक्चर बनाता कैसे है और उसे पृथ्वी पर भेजता कैसे है। हबल टेलीस्कोप एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसके अंदर दो मिरर लगे हुए हैं, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर। लाइट इसके प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसके सेकेंडरी मिरर से टकराती है और फिर वो इसे इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस कर देता है। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तीन प्रकार की लाइट को कलेक्ट करते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। और फिर हबल इस डेटा को पास की सैटेलाइट को ट्रैक करके भेज देता है और ये सैटेलाइट उसे पास के ग्राउंड स्टेशन पर भेज देती है, जहां से ये डेटा स्पेस सेंटर जाता है, जहां साइंटिस्ट इन लेयर्स को मिलाकर एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं। पर 1990 में लॉन्चिंग के बाद साइंटिस्ट को जब इसकी पहली इमेज मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो इमेज अर्थ से कैप्चर की जाने वाली इमेज से भी ज्यादा ब्लर थी। और कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि हबल का प्राइमरी मिरर एक इंसान के बाल के 50वें हिस्से के जितना पतला रह गया है, जिससे जो लाइट कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर एक साथ फोकस करनी चाहिए वो इस एरर के चलते अलग अलग फोकस हो रही है और इमेज ब्लर बन रही है। जैसे ही इस गलती का एहसास नासा के वैज्ञानिकों को हुआ तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 1600 करोड़ रुपयों की लागत और सालों की मेहनत एक छोटी सी गलती के चलते लगभग बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि ना तो इसके बैकअप मिरर बनाए गए थे और ना उसे रिपेयर किया जा सकता था। और इस खबर ने अमेरिकन्स के अंदर नासा के प्रति क्रोध को पैदा कर दिया था। लोग इस मिशन का मजाक उड़ाने लगे और ये प्रोजेक्ट लोगों की आंखों में चुभने सा लगा था। अब नासा या तो इस फॉल्ट को किसी भी तरह सही करता या इस प्रोजेक्ट को अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रोजेक्ट होने देता। पर नासा ने इसके पहले वाले ऑप्शन को चुना और उसे इसको ठीक करने का एक जरिया भी मिल गया। नासा के प्लान के मुताबिक इस टेलीस्कोप को लगभग 15 सालों तक पृथ्वी के ऑर्बिट में गर्दिश करना था व इस यूनिवर्स को कैप्चर करना था, जिसके चलते इसके जो बैक साइड में डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्सेस थे उनको समय समय पर सर्विसिंग करके चेंज भी करना था। और इसीलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि ये सर्विसिंग की जा सके। और अब नासा के पास इसको ठीक करने का ये प्लान था कि इसके सर्विसिंग के रास्ते से इंटर करके इसके फॉल्ट को ठीक करने के लिए मिरर के आगे कोस्टर लगाए जाएं, जिससे आने वाली लाइट को ये कोस्टर एक साथ इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करे और इमेज बिल्कुल क्लियर बने। ये कोस्टर इस टेलीस्कोप के लिए ठीक एक इंसान के चश्मे के जैसा काम करते, किसी चीज को ठीक से देखना व उसे कैप्चर करना। और नासा ने इस कोस्टर को लगभग 2 सालों की डेवलपमेंट व $50 मिलियन की लागत से तैयार कर लिया था और लॉन्चिंग के लगभग 3 साल बाद 2 दिसंबर 1993 को हबल को बचाने के लिए 7 एस्ट्रोनॉट्स व कोस्टर सहित स्पेस शटल एंडेवर को लॉन्च्ड कर दिया गया। और एस्ट्रोनॉट्स ने लगभग 7 घंटे की स्पेस वॉक से टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्लेस करके कोस्टर को लगा दिया था। और फाइनली जब हबल ने मिशन कंप्लीट होने के बाद अपनी पहली इमेज भेजी तो वो बिल्कुल क्लियर व अनबिलीवेबल थी, जिसे वैज्ञानिक देखकर खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने हबल को फिर से जिंदा कर लिया था। और हबल ने भी आने वाले कुछ सालों में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की जिसने इंसानों की इस यूनिवर्स के बारे में सोच को ही बदल दिया। इस यूनिवर्स की ऐसी ऐसी इमेजेस को कैप्चर किया जिसे हम इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। और इस यूनिवर्स के जन्म से लेकर तारों, ग्रहों, गैलेक्सीज, नेबुलास, ब्लैक होल व एक्सोप्लैनेट्स तक के सवालों का हमको जवाब दिया।
तो चलिए अब जान लेते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर वन, हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के सरफेस से 547 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लो ऑर्बिट में 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है, जिससे ये पृथ्वी का एक चक्कर महज 97 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। इसका वजन लगभग 11,110 केजी जितना है, वह ये 13.2 मीटर यानी एक स्कूल बस के जितना लंबा है। नंबर टू, हबल पृथ्वी के ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए दूर की आकाशगंगाओं, ग्रहों व अन्य चीजों की फोटो को कैप्चर करता है और उन्हें पृथ्वी पर भेजता है। इसका प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर व्यास जितना बड़ा है, जो एक इंसानी आंख से 40,000 गुना ज्यादा लाइट को इकट्ठा कर सकता है। हबल ने अब तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं और ये हर साल 10 टेराबाइट जितना डाटा पृथ्वी पर भेजता है, जिससे इसका करंट डाटा 290 टेराबाइट हो गया है। आप इंटरनेट पर यूनिवर्स की अधिकांश तस्वीरें हबल के द्वारा ली गई ही देखते हैं। नंबर थ्री, हबल का शुरुआती नाम लार्ज स्पेस टेलीस्कोप था, पर बाद में इसे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया। नंबर फोर, हबल की लॉन्चिंग के वक्त नासा ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये टेलीस्कोप लगभग 15 सालों तक अपना तजुर्बा दिखा पाएगा, पर आज इसके पूरे 31 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है और अनुमान है कि ये अगले सन 2030 तक अपना काम करता रहेगा और फिर ये बाद में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर जलते जलते पैसिफिक ओशियन में गिर जाएगा। नंबर फाइव, हबल की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके टोटल 5 सर्विसिंग मिशन किए गए हैं, जिसमें इसमें लगी चीजों को अपग्रेड किया गया है, पर 2009 के बाद 6वां कोई सर्विसिंग मिशन नहीं किया गया है व फ्यूचर में भी इसका कोई प्लान नहीं है। नंबर सिक्स, आपको यकीन नहीं होगा पर हबल कभी भी अर्थ की तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि ये इसके इतना ज्यादा पास है व इतनी ज्यादा स्पीड से चलता है कि इसके लिए अर्थ की एक लोकेशन को कैप्चर करना असंभव हो जाता है। नंबर सेवन, हबल को मेनली दूर की चीजों को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था और इसके द्वारा अब तक की सबसे दूर की डिटेक्ट की जाने वाली गैलेक्सी GNZ-11 थी, जो 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर थी और इसी से वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। क्योंकि ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है तो ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि ये लगभग 32 बिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है। नंबर एट, हबल ने अब तक अपने जीवन काल में एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे हम इंसान फ्यूचर में भी भुला नहीं सकते, क्योंकि इसने हिडन डार्क मैटर, गैलेक्सीज, तारों व ग्रहों का जन्म व एक्सो प्लेनेट्स तक के एटमॉस्फेयर की डिस्कवरीज की हैं। इसी ने प्लूटो के मून्स निक्स और हाइड्रा को खोजा व हमें ये बताया कि हर एक मेजर गैलेक्सी के हर्ट में ब्लैक होल होता है। नंबर नाइन, क्योंकि कुछ सालों बाद हबल बूढ़ा हो जाएगा व खत्म हो जाएगा, इसीलिए नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को 24 दिसंबर 2021 को स्पेस के पॉइंट पर चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया है, जो हबल से भी ज्यादा पावरफुल व आगे कई सालों तक यूनिवर्स की डिस्कवरीज करता रहेगा। तो दोस्तों, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना व ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे अगली शानदार वीडियो में। गुड बाय।